जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता अपने चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आप सभी को तुलसी विवाह के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दोस्तों मैं आपको बताने वाली हूँ घर में आसानी से आप सरलतम विधि से तुलसी का विवाह कैसे कराएं, साथ ही साथ इस दिन पर कौन से ऐसे खास उपाय करने चाहिए जिनसे आपके घर में धन संपदा सभी प्रकार के मानसिक सुखों की वृद्धि होती है। 8 नवंबर 2019 की तारीख में दिन शुक्रवार फ्राइडे का दिन है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन देवउठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी या तुलसी विवाह के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। ये दिन हिंदू धर्म के सभी लोगों के लिए बहुत ही खास है क्योंकि इस दिन से सभी हिंदू मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। आप गृह प्रवेश, विवाह इत्यादि ये सभी कार्य अब कर सकते हैं। पर दोस्तों, कोई भी कार्य करने से पहले आप उत्तम मुहूर्त ज़रूर निकलवा लें। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए। बाजू में बनी हुई घंटी या बैल के आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको सभी धार्मिक विषयों के बारे में जानकारी एकदम निःशुल्क प्राप्त होगी। दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी को एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्य उदय से पहले सुबह के समय उठना चाहिए और स्नान करते वक्त थोड़ा सा आंवले का रस अपने नहाने के पानी में मिलाकर उससे स्नान करना चाहिए। वैसे तो दोस्तों, एकादशी की तिथि में पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व बताया जाता है, पर इस दिन पर यदि आप घर में स्नान कर रहे हैं तो आंवले का रस मिलाकर स्नान करिए। नहाने के पानी में आप थोड़े से काले तिल भी डाल सकते हैं। और दोस्तों, स्नान इत्यादि करने के बाद सुबह के समय तुलसी का, पथवारी का विधिवत जैसे आपने पूरे कार्तिक माह में पूजन करा है वैसे ही पूजन करना चाहिए। अपने मंदिर में आपको श्रीहरि विष्णु के सामने खड़े होकर संकल्प लेना चाहिए। आप एकादशी तिथि का व्रत जैसे भी आप कर रहे हैं, फलाहार कर रहे हैं, निराहार कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, भक्ति भाव के साथ करेंगे। भगवान श्रीहरि विष्णु आपका पूजन अर्चन ग्रहण करें। दोस्तों, आपको दिन भर भगवान के नाम का जप करते रहना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। ओम नमो नारायणाय नमो इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और दोस्तों, मन में किसी के लिए भी बुरी भावना नहीं लानी चाहिए। लोगों की निंदा करने से, क्रोध करने से और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न करने से आपका व्रत खंडित हो जाता है, तो इन कुछ विशेष बातों का आप ध्यान ज़रूर रखें। संध्या के समय यानी सूर्य अस्त के बाद पूरे परिवार के साथ जैसे किसी के विवाह में जाने के लिए तैयार होते हैं वैसे ही तैयार होना चाहिए। अपने घर के आंगन के बीच में, छत पर या पूजा घर के बीच की जगह में रंगोली ज़रूर निकालना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर तोरण या बंधन बार लगाने चाहिए। दोस्तों, जहां आपने पूजा करनी है वहां पर दोस्तों गमले में तुलसी का पौधा आपको रखना चाहिए। दोस्तों, ये वही तुलसी का पौधा है जिसका पूरे कार्तिक के माह में आपने पूजन करा है और उसके ऊपर आपको गन्नों का मंडप लगाना चाहिए। गन्नों की संख्या 1, 3, 5 विषम संख्या में गन्ने आपको लगाना चाहिए। मंडप तैयार हो जाने के बाद विधिवत पूजन शुरू करना चाहिए। वहाँ पे आप दीप कलश बना के रख लीजिए। माता तुलसी पे सभी सुहाग की सामग्रियाँ आप चढ़ा लें। माता तुलसी को दोस्तों एक अच्छी सुंदर सी चुन्नी पहनाना चाहिए, उन्हें चूड़ियाँ लगानी चाहिए और वहाँ पर आपको उनका श्रृंगार करने के लिए बिंदी, सिंदूर आदि अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ तुलसी गमले में या तुलसी को दोस्तों जहां आपने पटे पे स्थापित करा है वहीं शालिग्राम जी की भी स्थापना करनी चाहिए। दोस्तों, विवाह के समय आपको तुलसी के गमले पर, तुलसी पर, शालिग्राम जी पर और गन्नों पर दूध में गीली करी हुई हल्दी ज़रूर लगाना चाहिए। एक विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए, पूजन के दौरान शालिग्राम जी पे चावल बिल्कुल न चढ़ाएं, केवल तिल ही चढ़ाएं। तो दोस्तों, इस तरह से हल्दी और दूध का लेप करना चाहिए और माँ तुलसी का पूजन करना चाहिए।
तुलसी जी और शालिग्राम के पूजन के बाद हो सके तो मंगला अष्टक का पाठ अवश्य कराएं। यदि आपको ये आता है तो आपको ज़रूर करना चाहिए। विधिवत जैसे हल्दी रोली कुमकुम इत्यादि से टीका करा जाता है, दीपक जलाया जाता है, विधिवत पूजन करिए। माता को आप यहाँ पर खीर का भोग अवश्य लगाइए, इससे आपके कई सारी कष्ट दूर होते हैं तुलसी विवाह में खीर का भोग लगाने से। दोस्तों इस दिन से बहुत सारे लोग कुछ चीज़ें खाना शुरू करते हैं, जैसे कि बेर, भाजी, आंवला, मूली, गाजर, इन सभी चीज़ों का पूजा में भी प्रयोग करना बहुत ही उत्तम बताया गया है। तो आप ये सभी चीज़ें माँ तुलसी पे ज़रूर चढ़ाएं। पूजन जब पूर्ण हो जाए कथा सुने और वहाँ पे आप अग्यारी या हवन अवश्य करें। 11 बार ओम नमो तुलसाय नमः स्वाहा कहते हुए अग्यारी देते हुए गोबर के कंडे पर या उपले पर कपूर डालकर थोड़ा सा शुद्ध घी डालकर अग्नि प्रज्वलित करिए और हवन की अग्यारी दीजिए। और तुलसी माता का ये जो मंडप है इसकी आपको 11 फेरी लगाना चाहिए। इस तरह से विधिवत फेरी लगाते जाइए और जहाँ तुलसी माता है वहाँ पर बीच में दोस्तों हाथ में चिरौंजी के दाने या कोई भी तरह का ड्राई फ्रूट लेके फेरी लगाइए और उन्हें आप तुलसी माता के सामने एक प्लेट में डालते जाइए। और जब पूजन पूर्ण हो जाए तब तुलसी माता का आरती करिए। नमो नमो तुलजा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। इस तरह से माँ तुलसी को विधिवत पूजिए। और दोस्तों इस दिन पर जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, यदि वो तुलसी नामाष्टक का पाठ करते हैं तो उनकी शादी में आ रही सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्प सारा नंद नीच तुलसी कृष्ण जीवनी, एत भामाष्टक चेव स्त्रोत्रम नामार्थम संयुक्त य पठेत ताम स च संपूज स अश्वमेघ फलमेता। दोस्तों इस तरह से कहते हुए माँ तुलसी का विधिवत पूजन करना चाहिए। और तुलसी और शालिग्राम जी को जो आपने भोग लगाया है उन सभी के साथ वहाँ पे कुछ दक्षिणा ज़रूर अर्पित करनी चाहिए, जो कि इस पूजन के बाद आप ब्राह्मण या किसी भी इंसान जिसके पास धन की कमी है आप उन्हें यह दक्षिणा ज़रूर दे दीजिए। तो दोस्तों इस तरह से विधिवत तुलसी विवाह करना चाहिए। तुलसी विवाह की एक छोटी सी कथा मैं आपको सुना देती हूँ। प्राचीन काल में जलंधर नामक राक्षस था जो अपनी पत्नी के सतीत्व के कारण बचा हुआ था। उस राक्षस ने चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा वीर और पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। उसी के प्रभाव से वह सर्व विजयी होता जा रहा था। जलंधर के उपद्रवों से परेशान देवगण भगवान विष्णु के पास गए और रक्षा की गुहार लगाई। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय करा। उधर उसका पति जलंधर जो देवताओं से युद्ध कर रहा था, वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही मारा गया। जब वृंदा को इस बात का पता लगा तो क्रोधित होकर उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है उसी प्रकार तुम भी अपनी स्त्री का छल पूर्वक हरण होने पर स्त्री वियोग सहने से मृत्यु लोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। जिस जगह वृंदा सती हुई वहाँ तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। एक अन्य प्रसंग और सुनने में आता है जिसके अनुसार वृंदा ने विष्णु जी को यह श्राप दिया कि तुमने मेरा सतीत्व भंग करा है, तुम पाषाण के हो जाओ, यानी तुम पत्थर के हो जाओ। विष्णु बोले, हे वृंदा, जब तुम्हारे सतीत्व का ही फल है तो तुलसी बनकर मेरे साथ ही रहोगी। जो मनुष्य तुम्हारे साथ मेरा विवाह कराएगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। बिना तुलसी दल शालिग्राम या विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और लक्ष्मी के विवाह का प्रतीकात्मक विवाह है। दोस्तों यहाँ पर यह बात बहुत ही ज़्यादा सही है कि भगवान विष्णु का तुलसी के साथ साक्षात कोई विवाह नहीं हुआ है। तुलसी एक पौधा है जिसकी पत्तियाँ आयुर्वेदिक गुणों से भरी हुई हैं, इसलिए भगवान इसे अपने भोजन में, इसे अपने सभी कर्मों में
सर्वप्रथम महत्व देते हैं क्योंकि यह मानव के लिए अत्यंत फलदायी है। तो दोस्तों, इस तरह से तुलसी के पौधे का संरक्षण करें, तुलसी का पौधा मंदिर में दान करिए, मंदिर में लगाइए, घर में लगाइए, सभी जगह तुलसी के पौधे का संरक्षण करिए, तुलसी का पूजन करिए और इसके अनेकों अनेक लाभ आप भी उठाइए। आशा करती हूँ आज तुलसी विवाह की ये छोटी सी विधि, आसान सी विधि आपको पसंद आई होगी। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक ज़रूर करिए। विधिवत पूजन कैसे करा जाए यह देखने के लिए चैनल पर जाकर ज़रूर देखिए तुलसी विवाह की विधि क्या है। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, अगली बार फिर आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।